रंगदारी बाहुबल के नाम पर पैसा वसूली, यानी हिंग लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा। इसी चोखे रंग की फिराक में इन दिनों भागलपुर में जमकर गुंडागर्दी हो रही है। कुछ ही महीनों पहले अकबरनगर के एक खाद व्यापारी के बेटे की बदमाशों ने जान ले ली, उससे 25 लाख रुपए छीन लिए। अब रंगबाजों का नया ठिकाना नाथनगर बना हुआ है। यह तस्वीर है भीड़ भरे बाजार नाथनगर के स्टेशन रोड की, जहां खाद व्यापारी बलवीर की दुकान पर रंगबाज पहुंचे और रुपए की मांग की, और रुपए देने से विरोध किया तो गुंडे रुपेश यादव ने गोली चला दी, जिसकी पूरी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहां व्यापारी तो बच गया, लेकिन सवाल खड़े हो गए। पुलिस के भारी भरकम मामले के बावजूद क्या अब रंगबाजों से भी पनाह मांगनी होगी? हालांकि फायरिंग की घटना के बाद आरोपियों के खिलाफ नाथनगर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली देख क्षेत्र के व्यापारियों ने आज नाथनगर बाजार को बंद कर दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध भी जताया। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला भी जलाया और जमकर नारेबाजी की। क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस बलों के साथ मौके पर एएसपी पूरन झा ने फ्लैग मार्च किया और व्यापारियों के गुस्से को शांत कराया। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मॉनिटरिंग में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई है और पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। जल्द ही बेहतर नतीजा सामने आएगा। अभी हम लोगों ने इस एरिया में फ्लैग मार्च किया है और व्यवसायियों को आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यदि होती है तो वो हम लोगों को सूचित करें, उस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। जी, कल जो मामला प्रकाश में आया था उस बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इसके लिए टीम गठन किया गया जिसमें ललमटिया, नाथनगर और मधुसूदनपुर थाना प्रभारी है। मैं स्वयं इस टीम की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। वरीय पुलिस महोदया भी इस टीम की मॉनिटरिंग कर रही है। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगड़े नहीं, इसके लिए एएसपी ने होमगार्ड जवानों के साथ रैप की टुकड़ी को तैनात कर दिया है, लेकिन क्षेत्र में आए दिन बमबारी और गोलीबारी की घटना ने यहां के व्यापारियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है, जिसे उनके जेहन से दूर करना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।